बोलेंगे ट्रांजैक्शन 13th में, 7th में। और क्वेश्चन नंबर 7th के अलावा 7th में कोई डाउट? 8th में कोई डाउट? 8th में किसी का डाउट है? मैं एक साथ डाउट्स लेना शुरू करता हूँ। चलो जी, कैलाश पर्वत पे चलें। कैलाश रिटर्न गुड्स, क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। मजेदार मजेदार, ध्यान से देखना, इंटर रिलेटेड है। सोल्ड गुड्स टू कैलाश, हमने कैलाश को सामान बेचा, तो जब हमने सामान बेचा तो हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब उसने वही सामान हमें वापस करा, उसने वही सामान हमें वापस करा। सेल्स रिटर्न, सोल्ड गुड्स टू कैलाश सेल्स। मैंने आपको सामान बेचा 1 लाख रुपए का, बट डिस्काउंट पे 85,000 का बेचा। अब अगर आपने मुझे सारा सामान वापस कर दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूं या 85,000? ऑब्वियसली बात है कि 85 दूंगा, येस और नो? बट सर बात है कि उसमें से कुछ पार्ट वापस किया तो क्या हो गया बेटा? ध्यान से देखना, पहली बात ये सेल्स रिटर्न है, इसमें कोई डाउट? एंट्री और अमाउंट दो अलग चीजें होती हैं, उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। एंट्री चेंज नहीं होगी, अमाउंट चेंज होते जाएंगे। एंट्री चेंज नहीं होगी, एक बार समझ आ गई तो एंट्री चेंज नहीं होगी। तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही हमसे। एंट्री भी नहीं हो रही तो आप ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में। एंट्री हो रही है, अमाउंट में गलती है तो भी प्रॉब्लम है, बट उससे आधी प्रॉब्लम है, तो उस पर फोकस होगा कि अच्छा कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही कि कब कैसे कैलकुलेट करना। एंट्री चेंज नहीं हो रही। कैलाश रिटर्न गुड, सेल्स रिटर्न, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट आइटम। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिटेड, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू टू कैलाश, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू कैलाश, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू कैलाश। नाउ अमाउंट, सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4,000 लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस होता है बिफोर डिस्काउंट। तो 4,000 का सामान आपने कितने का बेचा था उसे? 15% डिस्काउंट पे, 15 × 4 = 600 रुपए का तो आपने डिस्काउंट दिया होगा, तो कितने का बेचा होगा? 3,400 का। तो जब आप सामान रिटर्न करेंगे तो उसको रिबेट या मतलब डिडक्शन कितनी मिलेगी? 3,400 की ही तो मिलेगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अलग लेवल पे लेके जाता है डीके गोयल, तो साथ साथ चलोगे तो इतना अलग नहीं लगेगा, 20% 30% ही अलग लगेगा, 20-30% तो लगेगा ही लगेगा, बट अगर अलग से करोगे तो बिल्कुल अलग लगेगा। मतलब इसमें से 80% 70% एंट्रीज तो मैच कर रही है टीएस ग्रेवाल से, 20-30% वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। वही तो सीखना है, वही तो मजा आएगा कि सारे लेवल्स हम कवर कर लें साथ के साथ। झटके खा के क्यों, साथ के साथ ही, कि कम से कम चीजें बचे हैं मेरे पास डिफरेंट। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है बेटा आपका डाउट? ठीक है जी, चलो 9th क्वेश्चन। बहुत सारे डाउट्स हैं इसमें, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे आराम से, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। 9th क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर गुड्स, तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी? मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, नहीं समझ आएगी तो बोल देना सर, लिख के दिखाओ। कमेंस बिजनेस विद कैश एंड एसेट्स, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 150, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 60,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू कैपिटल अकाउंट। अगर सिर्फ कैश लाता, कैश टू कैपिटल, सिर्फ फर्नीचर लाता, फर्नीचर टू कैपिटल, सिर्फ स्टॉक लाता, स्टॉक टू कैपिटल। मल्टीपल एसेट्स आया, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कोई है ही नहीं, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल। अप्रैल 1 डन, अप्रैल 10 रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट। कौन है ये प्रताप? सोल्ड गुड्स टू प्रताप 20,000 10%, तो मतलब 18,000 का सामान बेचा था, 2,000 का उसने वापस कर दिया। नाइस, रुको जरा, 2,000 तो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस 2,000, हमने उसको वो कितने का बेचा होगा? 1,800 का बेचा होगा, 1,800 का उसने सामान वापस कर दिया, तो कितने पैसे देने थे उसने हमारे? 16,200, उसने 16,000 दिए। हो जाएगी अभी एंट्री, जितने
जितने पैसे मिले कैश अकाउंट डेबिटेड 16,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 200 टू प्रताप 16,200। बट ये कॉन्सेप्ट भी हम टीएस लेवल से ही सीख गए थे, ये पहले आ गया ना यहाँ तो इसी असाइनमेंट में, अभी थोड़ी देर पहले आया था जब मैंने कहा था ना कि इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, सामान बेचा रिटर्न हुआ फिर फुल सेटलमेंट हुई, अभी आया था सेम क्वेश्चन आया था ना, तो ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे कि नहीं आया था। चलो, क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट 5% डिस्काउंट। कौन है ये सहदेव? सहदेव, अब सेम चीज, हमने सामान खरीदा 50,000 का सामान 12% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5 12 6 6,000, तो 50,000 माइनस 6,000, 44,000 का सामान था, कुछ हमने रिटर्न भी कर दिया, लिस्ट प्राइस 4,000, 12 24 36 48, तो 480 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा हमें, 4,000 लिस्ट प्राइस था, 4,000 लिस्ट प्राइस था, आपको कितने का पड़ा था? -12%, -12%, तो 12% कितना होता है? 480, तो आपको ये सामान कितने का पड़ा था? 3520, 3520। मैंने 50,000 का सामान 44 में खरीदा, ठीक है, कुछ सामान वापस भी तो करा, जो सामान वापस करा उसकी लिस्ट प्राइस 4,000 थी, मुझे 4,000 का पड़ा था, मुझे तो कम का पड़ा था ना, मुझे कितने का पड़ा था? 3520 का। मैंने आपसे खरीदा 44,000 का सामान, कुछ वापस कर दिया, अब मैंने आपके पैसे देने कितने हैं, कर लेते हैं कैलकुलेट, 3 10 10 2 8 9 5 4 0 4 0 4 8 0 43, हाँ ठीक है जी, 40480 देने हैं, इस पे 5% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, इस पे 5% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, कोई डाउट क्या हो जाएगी एंट्री, निकाल देता हूँ वो भी, कैश डिस्काउंट 5%, 4048 मतलब 2024, 2024 है कैश डिस्काउंट, ठीक है, सब कुछ दिमाग में करूंगा तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगी, 40480 माइनस 2024, 38456, 38456, तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, हो क्या रहा था, ये था ना सहदेव 20, सहदेव को हम पैसे दे रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी सहदेव डेबिटेड कितना 40480 टू कैश अकाउंट, कैश से दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश वैसे मेंशन है, कैश टू कैश अकाउंट 38456 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2024। समझ आया क्या हुआ? समझ तो आ रहा है सर, विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा करना पड़ेगा हमें, हाँ बेटा हाँ करना पड़ेगा, नहीं सर पहले तो हम जाके ये पूछेंगे कि डीके गोयल से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, डीके गोयल कोई अलग साइंस नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट तो कोई भी नया नहीं आया, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करी ना उन्होंने, तो वो तो पूरा हक है उनका, कॉन्सेप्ट कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, यही तो लाइफ में मजा है। चलो एक मिनट, ये माइनस साइन हो जाएगा, कहाँ है रीजन इनमें से कौन सा है, अब यार क्या क्या मिट गया, चलो ठीक है, तो हो गया जी क्लियर, ठीक है, अब कहाँ बच्चे इनके सामने सब, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, अब कौन है आकृति, अब समझ आ गया ना कि जब भी ऐसे तो कौन है आकृति, तो पीछे दे रहे सोल्ड गुड्स टू आकृति, तो 20,000 रुपए का सामान बेचा था, 19,600 आए, कोई दिक्कत, इजी है, वेरी इजी, अब तो वेरी इजी के स्टेज में पहुंच गया ना ये, कि ओहो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, कोई सामान वापस नहीं करा इसको हमने, बस यही है, यही तो मजा आता है जब हम मल्टीपल वेरिएशन कर लेते हैं तो ये चीजें बहुत डायरेक्ट लगने लगती हैं, वही पर्पस होता है प्रैक्टिस का। तो कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू आकृति, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश और बैंक, कुछ मेंशन नहीं है बैंक, तो टेक्निकली कैश फिर कर देंगे आप, मतलब
सेम डेट है, सेपरेट ट्रांजैक्शन है। आकृति का इससे कोई लेना देना नहीं है, आकृति का इससे कोई लेना, डेट सेम है। उस दिन दो चीजें हो गई, उसके नीचे एक और एंट्री पास हो जाएगी सेम डेट से, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। उन दोनों को कंपाउंड मत कर देना कि आकृति डेबिटेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड। नहीं, दो अलग ट्रांजेक्शन है, डेट सेम है। ओके समझ आया क्या बोल रहा हूँ? पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर, बताओ बेटा जर्नल एंट्री 25th अप्रैल। प्रेजेंस ऑफ माइंड मिसिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड मिसिंग बताओ बेटा कुंवर, अप्रैल 25th। करेक्ट, अभी तो करा हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ पर्सनल एक्सपेंस, आप ही का डाउट था, सही हो जाना चाहिए था। ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है ना? प्लीज वो अपने स्कूल पे अपना चेक कर लेना कि इंश्योरेंस प्रीमियम और टैक्सेस आप बैंक से चाहते हैं या कैश से, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो। अगर स्पेसिफाइड है तो बात ही खत्म है, स्पेसिफाइड नहीं है तो मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, आप अपने वाले चेक करेंगे अपने आप।